दोस्तों अभी 7:45 बज गए, शाम का टाइम है। तो सोचा आज मन कर रहा है अपने रायसर मंदिर जाने का, भगवान के दर्शन करने का। तो दोस्तों चलते हैं रायसर मंदिर महाकाल। दोस्तों ये है कैरी मोड़ के शाम के नज़ारे। देखिए आगरा शमशाबाद रोड है ये अपना। ये देखिए दोस्तों शाम के नज़ारे हैं कैरी मोड़ के। दोस्तों ये अपना पन्ना सिनेमा है कैरी मोड़ पर। तो कभी आएंगे इसमें अभी मूवी देखने। अभी लाइजर लगी है, आगे चल के देखते हैं कोई मूवी देखेंगे इसमें अभी। तो ये अपना पन्ना सिनेमा है, ये अपना शाम का व्यू। और बताओ दोस्तों कैसे हालचाल, सब बढ़िया? दोस्तों बातें करते करते हम अपने रायसर मंदिर पर आ भी गए, पहुंच भी गए। ये देखिए दोस्तों अपना रायसर मंदिर है, अभी तो सामने आते हैं। दोस्तों हम फाइनली अपने रायसर मंदिर पर आ ही गए हैं, आप पीछे देख सकते हैं। दोस्तों चलिए अंदर अब दर्शन करते हैं। हाँ तो वे दर्शन भी कर लेते हैं अपने भोले बाबा के। लेते हैं ये अपने रायसर मंदिर में एंटर कर चुके हैं। ये देखिए दोस्तों ये अभी रिसेंटली हाल ही में बनी है धर्मशाला साहब। ये अपने पीछे मंदिर है, अभी आरती चल रही है, शाम का टाइम है तो आरती कुछ चलेगी। ये अपने देखिए भगवान है पीछे, चलिए इन्हीं के पास चलते हैं। देखिए दोस्तों ये है अपने राधा कृष्ण जी। चल रही है सामने अपने बजरंगबली बाबा है। ये दोस्तों अपने बजरंगबली बाबा है पंचमुखी हनुमान जी, सामने दिख जाएगा। दोस्तों अभी आरती का टाइम है, बहुत ही पवित्र टाइम है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, आपको दर्शन करा दें अपने भोले बाबा के जो प्राचीन मंदिर में। देखिए दोस्तों कितना अच्छा व्यू आ रहा है, अच्छा माहौल है, इतना पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। तो देखिए दोस्तों इतिहास 900 साल पुराना है, और इसके इतिहास में ऐसे एक खास बात है, ये किंवदंती के लिए प्रचलित है। और इस किंवदंती का अर्थ हुआ कि एक राजा केड़ा के भरतपुर से के एक सेठ थे, वो नर्मदा नदी के किनारे जा रहे थे इस शिवलिंग को लेकर, वहाँ पे स्थापना करनी थी उनको। पर उन्हें यहाँ पे जो अभी ये मंदिर है ना अपना रायसर मंदिर, वहाँ पे पहले इसी के पास पहले कुआ हुआ करता था, तो उसी के वहाँ पे उन्होंने रेस्ट किया होगा। वहाँ पे इन्होंने रख दी बैलगाड़ी से उतार के अपना शिवलिंग, फिर वहाँ पे रेस्ट करने लगे। फिर उन्होंने वहाँ से उसको निकाला तो वो वहीं पे रह गए। फिर
फिर यहीं पे इसकी स्थापना हो गई दोस्तों। और यहाँ के अभी की अब जो रिसेंट में वो है ना दत्त मतलब मंदिर के मतलब तो दोस्तों वो है कालीचरण गोस्वामी। तो दोस्तों ये अभी के मेन दोस्तों ये था छोटा सा व्यू अबाउट अपने राजेश्वर मंदिर। तो दोस्तों शाम हो गई चलते हैं, भूख लग रही है, भूख भी तेज़ लग रही है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने रूम पर। दोस्तों हम निकल आए अपने राजेश्वर मंदिर से, पीछे देख सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने रूम पर, शाम का टाइम है। तो दोस्तों हम आ गए अपनी अकेडमी पर, देखिए देखते हैं क्या बना है। दोस्तों ये देखिए ये दाल बनी है और चावल है और सब्जी है। तो दोस्तों दाल चावल सब्जी बनी है आज। तो चलिए अब लंच अपना डिनर करते हैं। और तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपने एंजॉय की हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वो नोटिफिकेशन वो घंटा वाला साइन है उसको दबा दें, जिससे हमें आपको हमारी सारी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।